देखिए हम हमारा ईवीएस का लेसन 8 रीड करेंगे। हम देखिए लेसन 8 क्या है हमारा, एम बाय माय एस सी एस डबल ओ एल स्कूल, माय स्कूल मेरा विद्यालय, क्या है हमारा पार्ट, मेरा विद्यालय। तो देखिए इसके लिए आप पेज नंबर ओपन कीजिए अपनी बुक का 32, ये है आपका 32 पेज, इसको ओपन कीजिए माई स्कूल और इसको मेरे साथ रीड कीजिए। देखिए करते हैं हम हमारा लेसन रीड। देखिए YOU ऑल गो टू स्कूल टू स्टडी, यानी हम सब क्या करने जाते हैं स्कूल में, तुम सब क्या करने जाते हो स्कूल में, पढ़ने जाते हैं हम सब स्कूल में, पढ़ाई करने जाते हैं, जाते हो ना हम सब स्कूल, क्या करने जाते हो पढ़ाई करने, है ना। तो क्या कर रहा है, यू ऑल गो टू स्कूल टू स्टडी, तुम सब स्कूल पढ़ने जाते हो, कहाँ क्या करते हो वहां जाके, यू लर्न तुम सीखते हो, रीड पढ़ते हो, एंड राइट देयर तुम वहां पढ़ना और लिखना सीखते हो, क्या सीखते हो तुम वहां स्कूल जाकर के, पढ़ना और लिखना। तो देखिए यू ऑल्सो लर्न टू काउंट एंड डू सम्स इन योर स्कूल, तुम तुम्हारे स्कूल में क्या करते हो, कुछ गिनते हो, सम्स यानी जोड़ बाकी जो अपन करते हैं ना एड सब्ट्रैक्ट, तो कुछ सम करते हो। लेट अस टॉक विद शिव अबाउट हिज स्कूल, हम शिव से उसके स्कूल के बारे में बात करते हैं, अबाउट यानी क्या होता है के बारे में, तो हम उससे किससे, शिव से, चलो हम शिव से उसके स्कूल के बारे में बात करते हैं। शिव डेस्क्राइब्ड यानी शिव डेस्क्राइब यानी बताता है हिज स्कूल उसके स्कूल के इन द फॉलोइंग मैनर, यानी स्कूल के क्या क्या तरीके हैं, यानी उसके स्कूल में क्या क्या है वो सब बताता है वो शिव। तो देखो क्या बताता है, द फॉलोइंग मैनर नीचे दिए गए हैं वो सब तरीके। माई स्कूल हैज ए लार्ज बिल्डिंग, अपन भी बताते हैं, कोई बताता है तुम्हारे स्कूल के बारे में बताओ, तो तुम बताते हैं कि मेरे स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, मेरे स्कूल में इतने टीचर हैं, मेरे स्कूल में पानी की अच्छी व्यवस्था है, मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी है ना, एक असेंबली हॉल है बड़ा, तो क्या करते हैं हम, तो वहाँ हम अनेक प्रोग्राम है करते हैं सेलिब्रेट। तो देखिए इस तरह से ये भी अपने स्कूल के बारे में बताता है कि मेरे स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है। माई स्कूल हैज ए लार्ज बिल्डिंग, लार्ज यानी बड़ी, बिल्डिंग यानी भवन, मेरे स्कूल का भवन बहुत बड़ा है। वी हैव ए बिग असेंबली हॉल, अपने भी है ना असेंबली हॉल, तो देखिए एक बड़ा असेंबली हॉल है जहाँ पे प्रेयर वगैरह करते हो ना आप लोग और अपने फंक्शन भी सेलिब्रेट होते हैं, तो वो असेंबली हॉल। तो ये भी कह रहा है कि हमारे यहाँ एक बड़ी सभा भवन भी है, सभा भवन बोलते हैं असेंबली हॉल को। वेयर ऑल द चिल्ड्रन गैदर फॉर मॉर्निंग प्रेयर, वहां पर सारे बच्चे सुबह की प्रेयर यानी प्रार्थना के लिए क्या होते हैं, गैदर यानी इकट्ठे होते हैं। आप लोग भी जाते हो ना प्रेयर के लिए असेंबली में सुबह सुबह। अवर क्लासरूम्स आर बिग एंड एयरी, हमारे जो कक्षा के कमरे हैं वो कैसे हैं, बड़े और एयरी यानी हवादार, हमारी कक्षा के कमरे बड़े और हवादार है। देखिए आगे देखिए, आवर स्कूल यानी हमारा विद्यालय हैज एन ऑफिस रूम, हमारे विद्यालय में एक ऑफिस रूम भी है यानी एक कार्यालय भी है ना, अपने अपने भी ऑफिस रूम। क्लर्क्स सिट एंड वर्क देयर, वहां पर लिपिक बैठते हैं और काम करते हैं। देयर इज ए बिग स्टाफ रूम इन अवर स्कूल, हमारे इस विद्यालय में एक बड़ा स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम होते हैं जहां पर सारे टीचर आके बैठते हैं एक साथ, वो होता है स्टाफ रूम। इट हैज ए लार्ज सेंट्रल टेबल, वहां पर एक बड़ी यानी बीच में टेबल रखी हुई है। एंड मैनी चेयर्स, और कई कुर्सियां। टीचर्स सिट हेयर इन देयर स्पेयर टाइम एंड रीड न्यूज़पेपर, यानी टीचर फ्री होते हैं ना तो वो कहाँ बैठते हैं, उस स्टाफ रूम में बैठते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देयर इज ए प्रिंसिपल रूम, और हमारे विद्यालय में क्या है, एक प्रिंसिपल कमरा भी यानी प्रधानाचार्य का कमरा भी है। दिस रूम इज बिग, ये रूम कैसा है, बड़ा है। एंड एयर कंडीशनड, और हवादार भी है। अवर स्कूल हैज ए लाइब्रेरी, हमारे विद्यालय में एक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय है जहां पर बहुत सारी पुस्तकें रखी रहती है, सारी पुस्तकें रखी रहती है, वो होता है लाइब्रेरी। देयर आर सो मैनी गुड बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कई अच्छी अच्छी किताबें होती हैं। वी ऑल गो देयर, हम सब वहां जाते हैं एंड स्टडी दीज बुक्स, और इन किताबों को क्या करते हैं,
पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, किसके लिए होती है लाइब्रेरी? पढ़ने के लिए होती है, वहां पर सारी बुक्स होती है अच्छी अच्छी तो बुक्स पढ़ने के लिए होती है। आगे देखिए, आवर स्कूल हैज ए बिग प्ले ग्राउंड, हमारे विद्यालय में एक बड़ा खेल का मैदान है। वेयर वी प्ले डिफरेंट गेम्स, हम वहाँ अलग अलग खेल खेलते हैं। आपको भी खेलवाते हैं ना गेम, असेंबली हॉल में जाते हो फिर आप गेम खेलते हो, प्ले करते हो, वहां पर करते हो ना, तो आपके भी है प्ले ग्राउंड प्ले रूम। वी नॉट ओनली स्टडी इन अवर स्कूल, हम हमारे विद्यालय में केवल पढ़ाई ही नहीं करते, बट ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स, बल्कि कई चीजें भी सीखते हैं। तो देखो, सिर्फ पढ़ाई करनी थोड़ी ना आते हो आप लोग, आप लोग वहाँ प्लेइंग भी करते हो, आपको अदर एक्टिविटीज भी करवाई जाती है, आपको ड्राइंग भी सिखाई जाती है, आपको गेम भी प्ले करवाए जाते हैं, है ना, और आपको अदर एक्टिविटीज भी करवाई जाती है, बहुत सारे आपके फंक्शंस हेल्ड होते हैं, तो इस तरह से कई चीजें और सीखते हैं। सम ऑफ दीज थिंग्स आर, उनमें से कुछ अच्छी बातें हैं। देखो क्या बातें हैं, उनमें से कुछ गुड मैनर्स, यानी हम स्कूल में क्या सीखते हैं, अच्छे तौर तरीके, लाइक रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना, एल्डर यानी अपने से बड़ों का, बोलते हैं ना अपने से बड़ों का, आपको कह के बोलो, फिट टच करो, है ना, गुड मॉर्निंग विश करो, गुड आफ्टरनून विश करो, आपको भी सिखाए जाते हैं ना सारे मैनर्स। लिविंग ए डिसिप्लिन लाइफ, और एक अनुशासन में रहना, प्लेइंग गेम्स, गेम खेलना, एंड नोइंग एंड डिस्कसिंग डिफरेंट न्यू थिंग्स, और अलग अलग चीजों को जानना और उनके बारे में बातचीत करना। कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी हमारे उसका चरित्र का निर्माण करता है। स्कूल्स आर ट्रूली टेम्पल्स ऑफ लर्निंग, सच में स्कूल क्या है, सीखने का मंदिर है, बोलते हैं ना इसको विद्या का मंदिर है स्कूल। वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ, हमें हमारे अध्यापकों की और स्कूल के स्टाफ पर क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर स्कूल, हमें हमारे स्कूल पर गर्व है। वी शुड नॉट हार्म द प्रॉपर्टी ऑफ द स्कूल, हमें स्कूल की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे आपने टेबल तोड़ दी, बेंच तोड़ दिया, कुछ गिरा दिया, कभी बोर्ड गिरा दिया, कभी डस्टर गिरा दिया, तो इस तरह से किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वर्क टू अचीव अवर एम एंड मिशन इन लाइफ, हमें हमारे उद्देश्यों को हासिल करना करने के लिए काम करना चाहिए। तो आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ माई स्कूल। अब हम करेंगे हमारी वर्ड मीनिंग। देखिए वर्ड मीनिंग, फर्स्ट मीनिंग है आपकी, सबसे पहले देखिए डब्ल्यू वर्ड, वर्ड वर्ड में शब्द, एम ई ए एन आई एन जी एस, मीनिंग्स, मीनिंग्स यानी उनके अर्थ, शब्द और उनके अर्थ। अब देखिए SCHOOL स्कूल, स्कूल यानी विद्यालय, क्या होता है स्कूल यानी विद्यालय, सभी जानते हो स्कूल तो। देखिए CHILDREN चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, क्या होता है चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। TEACHER टीचर, टीचर मीन्स अध्यापक, क्या होता है टीचर यानी अध्यापक। फिर देखिए नेक्स्ट LIBRARY लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय, क्या होता है लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। BUILDING बिल्डिंग, बिल्डिंग मीन्स भवन, बिल्डिंग मीन्स क्या होता है भवन। MORNING मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स सुबह, क्या होता है मॉर्निंग मीन्स सुबह। और देखिए नेक्स्ट मीनिंग PLAYGROUND प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान, क्या होता है प्लेग्राउंड, खेल का मैदान। तो आपकी स्पेलिंग हो चुकी है, आप इनको लर्न कीजिए एंड राइट कीजिए अपनी नोटबुक में, फिर हम हमारी बुक फिल करेंगे। देखिए हमने हमारा लेसन रीड कर लिया, हमारी वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट हो चुकी, अब हम करेंगे हमारी बुक फील। तो बुक फील करने के लिए आप ओपन कीजिए अपनी बुक का पेज नंबर 34। तो 34 पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही के सामने चिन्ह लगाओ, जो सही ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन गिव है, तो इसमें से क्या करना है आपको राइट पर टिक मार्क करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी गो टू स्कूल, व्हाई यानी क्यों, गो यानी जाते हैं, टू स्कूल यानी विद्यालय, हम विद्यालय क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं विद्यालय, स्टडिंग, रीडिंग, राइटिंग, ऑल, तो क्या आएगा इसमें ऑल, क्या आएगा ऑल, यानी सभी करने जाते हैं हम स्कूल में,
या फिर स्टडिंग भी कर सकते हो आप इसके अंदर, या फिर सभी भी कर सकते हो आप। तो देखो व्हाई डू वी गो टू स्कूल क्यों जाते हैं, फॉर स्टडी। सबसे मेन बात तो हम पढ़ाई करने ही जाते हैं स्कूल में, पढ़ाई में सारी चीज आ जाती है, रीडिंग भी राइटिंग भी। तो देखिए फर्स्ट स्टडी, ए के फर्स्ट में आप फिल कीजिए। study स्टडी, नेक्स्ट देखिए वेयर आर बुक्स कैप्ट इन स्कूल, स्कूल में किताबें कहाँ रखी जाती है। तो देखिए कहाँ रखी जाती है स्कूल में किताबें, क्लासरूम में, ऑफिस रूम में, लाइब्रेरी में, या फिर स्टाफ रूम में। कहाँ रखी जाती है, लाइब्रेरी में। तो आप लिखिए सेकंड में लाइब्रेरी। LIBRARY लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी के सामने राइट कीजिए, इसके सामने राइट कीजिए स्टडिंग के। नेक्स्ट देखिए वेयर डू वी प्ले इन द स्कूल, हम स्कूल में कहाँ खेलते हैं। तो देखिए कहाँ खेलते हैं, प्ले ग्राउंड इन द स्कूल, लाइब्रेरी, स्टाफ रूम या प्रिंसिपल रूम। बताओ लाइब्रेरी में खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं ना, स्टाफ रूम में भी नहीं खेलते और प्रिंसिपल रूम में भी नहीं खेलते हैं। तो कहाँ खेलते हैं, प्ले ग्राउंड ऑफ द स्कूल, स्कूल के खेल के मैदान में। तो राइट कीजिए इसमें, लिखिए PLAY GROUND प्ले ग्राउंड ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट देखिए विच आर गुड मैनर्स, यानी अच्छे तौर तरीके क्या है। तो देखिए क्या है, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना, लिविंग ए डिसिप्लिन लाइफ, अच्छी डिसिप्लिन लाइफ में रहना, प्लेइंग गेम खेलना, ऑल। तो क्या है अच्छे तरीके, बताओ क्या है अच्छे तरीके, और सारे ही वो है अच्छे तरीके कि डिसिप्लिन लाइफ में भी रहना चाहिए हमें, रेस्पेक्ट भी करना चाहिए बड़ों का, प्लेइंग गेम भी करनी चाहिए, ऑल। नेक्स्ट देखिए ट्रू फॉल्स, ट्रू में होता है सही और फॉल्स में होता है गलत। तो देखिए टिक राइट फॉर ट्रू एंड रॉन्ग द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी जो सही बात लिखी हुई है उसके सामने राइट टिक मार्क कीजिए और जो रॉन्ग है उसके सामने रॉन्ग का। तो देखिए देयर आर मैनी रूम्स इन ए स्कूल, यानी स्कूल में कई कमरे होते हैं, स्कूल में कई कमरे हैं। तो कई कमरे हैं स्कूल में, थोड़ी ना एक ही कमरा है, तो क्या है ये राइट। तो देखिए फर्स्ट राइट, सेकंड देखिए मोस्ट ऑफ द रूम्स इन द स्कूल आर क्लासरूम्स, यानी स्कूल के जो ज्यादातर कमरे हैं वो क्या होते हैं, कक्षा कक्ष होते हैं, यानी पढ़ने वाले कमरे होते हैं जिनमें बैठकर हम पढ़ाई करते हैं। तो सही है, ज्यादातर रूम क्लासरूम ही होते हैं स्कूलों के अंदर। तो क्या है ये राइट, थर्ड देखिए वी शुड राइट ऑन द वॉल्स ऑफ अवर स्कूल, हमें हमारे स्कूल की दीवारों पर लिखना चाहिए। दीवारों पर लिखना अच्छी बात होती है, दीवारें गंदी हो जाती है ना उससे, तो क्या करना चाहिए, हमें दीवारों पे नहीं लिखना चाहिए। तो ये बात क्या है रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए प्ले ग्राउंड आर मीट ऑफ फॉर स्पोर्ट्स, यानी खेल के मैदान का मतलब खेल से है, तो खेल से ही तो है खेल के मैदानों का मतलब। तो ये क्या है राइट। नेक्स्ट देखिए बुक्स आर नॉट कैप्ट इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी के अंदर किताबें नहीं रखी जाती है। तो ये बात तो रॉन्ग है, लाइब्रेरी में तो रखते हैं अपन बुक्स को, तो क्या है ये रॉन्ग। तो आप अपनी बुक फिल कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा।